नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। अखिलेश यादव क्या अपना फैसला बदल लेंगे? क्या प्रियंका गांधी तमाम शर्तों को मान गई है? जरा सुन लीजिए पूरी खबरें क्या है। कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन के दौरान बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के संदेश दिया था, जिसमें यूपी में बीजेपी के विरोधी दलों के लिए बड़ा संदेश गया है। इसका असर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीरों में दिख रहा है। कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता का सीधा संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को बीजेपी के विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होकर लड़ने की उम्मीद है। प्रियंका गांधी ने कहा, चुनाव में एक साल बचे हैं, जितनी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा उनसे बीजेपी विपरीत है उनसे उम्मीद है कि एकजुट होकर लड़ें, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। प्रियंका गांधी का ये बयान खास तौर पर यूपी में बीजेपी के खिलाफ बसपा और सपा के लिए माना गया है। इसके बाद बीते दिनों कांग्रेस नेता के बयान पर जमकर चर्चा हुई, लेकिन अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन की तस्वीरें कुछ ऐसी ही संदेश दे रही हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को 2024 के लिए अपना फॉर्मूला समझाया, लेकिन इस बीच तस्वीरों ने प्रियंका गांधी के संदेश को और मजबूती दे रही है। ये तस्वीर अखिलेश यादव खुद भी शेयर की है, जिसमें एम के स्टालिन के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, डीएम के सांसद टीआर वालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, डीएम के कई और बड़े नेता दिख रहे हैं। ऐसे में अटकलें चल रही हैं कि क्या फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर योगी का खेल खत्म कर देंगे? क्या योगी और मोदी सरकार को हराने के लिए क्या विपक्ष ने खेल रचना शुरू कर दिया है? मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, इस पे नई न्यूज़।